बैठ जाइए, बैठ के देखिए। संकेत जी आपने पूछा और मुझे बहुत खुशी हो रही है। लगभग यहाँ 3 एकड़ ज़मीन पर हम खेती कर रहे हैं और यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ हर तरह की खेती है। एक जगह मूली है, फूलगोभी, बंधा गोभी, टमाटर, बैंगन, साग, आलू, प्याज, हर तरह की, एक साइड में ईख भी है। और इसी तरह हम 3 एकड़ ज़मीन में खेती कर रहे हैं और यहाँ जो हमारे जैविक, जिसको हम लोग जैविक खेती बोलते हैं, जो हमें हमारे जो घरेलू गोबर होती है या पत्ता की होती है गोबर, उससे जो हम लोग जैविक खेती उत्पादन करते हैं, उससे हम लोग जैविक खेती करते हैं। और हमें खुशी होती है खेती करने में कि यहाँ खेती से भी हम लोग कई तरह के काम कर सकते हैं या हम पैसा कमा सकते हैं। हर साल हम खेती करते हैं और अधिकतर देखिएगा तो यहाँ खुशी हमें इसलिए होती है क्योंकि एक मैं पंचायत की मुखिया हूँ, इसलिए ताकि मेरे जो जनता है उनको ये महसूस हो और हम जैसे खेती करते हैं उससे प्रेरित हो हमारे किसान भाइयों को, और वो भी इस जैविक खेती का जो सीख है या जो विधान है उससे वो खेती कर सके और कई तरह के यहाँ फायदे हो सके। क्योंकि यहाँ देखिएगा कि जो बाज़ार में सब्जी मिलती है वो कई तरह की रासायनिक उर्वरक से बनती है, तो हमने सोचा कि यहाँ देखिएगा कि रासायनिक खेती से जो खेती की हुई सब्जी होती है वो कई तरह की बीमारी हमारे शरीर के लिए पैदा करती है, तो इसलिए हमने ये सोचा और जैविक जो खाद है उससे हम लोग खेती करने के लिए सोचे और इससे हमारे शरीर के लिए भी और हमारे घर परिवार के लिए भी कई तरह के फायदे हैं। क्या क्या खेती की है मैम जी? यहाँ सरसों की खेती है, साग की खेती है, फूल गोभी है, बंधा गोभी है, आलू है, टमाटर है, प्याज है, मूली है, ईख है, बीम है, मकई है और बहुत सारी खेती हैं। इस तरह हम लोग खेती कर रहे हैं। इसको कहाँ पर बेचिएगा आप जी? हमारे पंचायत क्षेत्र में कई जगह बाजार लगती है, बाजार में भी हम लोग बेचते हैं और हम लोग जो भी घर में आते हैं वहाँ पर भी हम लोग बेचते हैं। कितना कमा लेते हैं मैडम जी? साल भर में 1,00,000 रुपया तक पहुँच जाती है। अच्छा, क्योंकि यहाँ हमारे जो लेबर है उन लोग को भी थोड़ा बहुत देना पड़ता है, सबको लेकर चलना पड़ता है। अच्छा, किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किसानों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग खेती से भी साल भर में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और हमारे जो आर्थिक स्थिति को हम लोग थोड़ा सा उसमें बहुत 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 फायदा मिलती है। उस्ताद आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से? अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।